गवर्नमेंट स्कीम सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने 5 या 6 इंपॉर्टेंट स्कीम पढ़ा है, उसको आप रेफर कर लीजिएगा। अभी हम गवर्नमेंट स्कीम में है, गवर्नमेंट स्कीम का ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम जिस स्कीम को देखेंगे फटाफट जिस स्कीम को कवर करने की कोशिश करेंगे उसमें 8-10 अगर मैक्सिमम जितना जहां तक समय है परमिशन दिया वहां तक हम चलेंगे। वन नेशन वन राशन नाम सुना है ना, वन नेशन वन राशन। अभी मैं पहले रिलायंस सीडीएम में यूज करता था, बाद में रिलायंस सीडीएम में बंद हो गया, मैंने रिलायंस जीएसएम पे वही नंबर स्विच ओवर किया, बाद में रिलायंस वो भी चला गया है ना, अंबानी साहब जो आपके अंबानी साहब ने उसको भी खत्म कर दिया, मैंने उसको एयरटेल पे स्विच कर दिया। क्या मेरा नंबर चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके टेलीकम्युनिकेशन ट्राई ने क्या आपको बेनिफिट दे दिया था, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी, कि वो आप अपने नंबर को वही रख सकते हो, आप ऑपरेटर को स्विच ओवर कर सकते हो। तो ये वही सिस्टम है, आप अपने राशन को स्विच ओवर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड राशन पोर्टेबिलिटी। आप सपोज किसी राजस्थान से हो और रह रहे हैं आप मुंबई में, तो राजस्थान का ही राशन दिखा के आप मुंबई में मुंबई के राशन दुकान से आप उस राशन का बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन राशन। पहले क्या था, राजस्थान के आप हैं, मुंबई में आप शिफ्ट हो गए, तो फिर आपको न राशन वहां मिलेगा न यहां मिलेगा, लॉस किसका? तो आपका लॉस, गवर्नमेंट ने आपके लिए राशन पोर्टेबिलिटी है ना, राशन पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की है और ये स्कीम है। बस आप भी लिखें फटाफट, गवर्नमेंट स्कीम सेकंड पार्ट, वन नेशन वन राशन। कब शुरू हुआ डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, फिर से मैं बोलता हूं है ना, लेकिन अगर जनधन योजना में मैंने 28 अगस्त 2014 आपको लिखाया था तो याद करना था आपको, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ कि 2019 का है या 2020 का मॉडल है या डेट कौन सा है। तो वन नेशन वन राशन सामने आप लिखें, दिस इज ए न्यू राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम वेयर ईच राशन कार्ड होल्डर, दिस इज ए राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम where each ration holder can get the benefit, where each ration holder can get the benefit of PDS system, PDS का full form यहाँ पे लिखा है, public distribution system, can avail the benefit of PDS public distribution system. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लास्ट क्लास हमने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, हमने जनधन योजना की बात की थी, हमने अटल पेंशन योजना की बात की थी, हमने पीएम किसान की बात की थी, हमने श्रम किसान की बात या लघु व्यापारी की बात की थी। आज आप जाने कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी, उस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हमने आपको अटल पेंशन योजना का नाम बताया था, जिसमें यह बताया था कि मैक्सिमम जो पेंशन आपको मिल सकता है आफ्टर 60 ऑफ एज, that can be maximum of rupees 5000 and a minimum is 1000, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 denomination mein aapko pension mil sakta tha. Starting age 18 years, maximum age of contribution. Maximum age of contribution is 60, but maximum age of eligibility, jahan pe aap subscribe kar sakte hain, that was 40 years. To 18 to 40 wale subscribe kar sakte the, 60 saal ke baad unko 5000 ya jaisa unhone scheme opt out kiya tha, वहां पर वैसा पैसा मिलता। दैट वॉज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसी तहजे पे दो और सोशल सिक्योरिटी स्कीम की शुरुआत 2015 में की गई, उसमें नाम दिया गया पीएम तो कॉमन है, प्रधानमंत्री एस बी सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री JJY जीवन ज्योति योजना। अभी लिखे मत, यहां पर देखें SURKASHA सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये दो अलग अलग योजनाएं हैं। 2015 में तीन योजनाओं का शिलान्यास किया गया था, तीन योजना थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर, पीएम SBY, पीएम JJY एंड पीएम APY। तो APY की बात ऑलरेडी हमने कवर कर ली है,
आज के दिन हम SBY पे हैं। S स्टैंड फॉर सुरक्षा। किसका सुरक्षा देना है भाई? तो हम उस इंडिविजुअल को सुरक्षा प्रदान करेंगे जिसका एज मिनिमम 18 साल होगा, है ना? और यहां भी मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 18 साल। अटल पेंशन योजना में भी कितना होना चाहिए? 18 साल। तो जो बहुत आसान सा दिखता है वो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो खुश ना तो मत हो जाए कि सबका तो 18 ही साल है, ये एग्जाम में ही नहीं आएगा। सुरक्षा बीमा योजना, मैक्सिमम एज 70 इयर्स। जीवन ज्योति योजना, मैक्सिमम एज इज 50 इयर्स। वेयर वाज अटल पेंशन योजना, मैक्सिमम एज वाज 40 इयर्स। यही आपके एग्जामिनेशन में आएगा कि सुरक्षा योजना को कौन ले सकता है। तो वो इंडिविजुअल ले सकता है जिसका एज आज के दिन में 70 साल या उससे नीचे हो और 18 या उससे ज्यादा हो। जीवन ज्योति वो ले सकता है जिसका एज 18 से 50 के बीच में हो। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे? तो हम आपको 5 0 और 2 लगा के पैसा देंगे, दैट इज 2 लाख, 2 लाख रुपया देंगे। जीवन ज्योति योजना में भी कहा जाता है कि हम आपको पैसा देंगे, कितना देंगे? लेकिन 2 लाख रुपया देंगे। इसके लिए मिलेगा कब भाई? तो मिलेगा तब जब आपका डेथ हो जाए। मिलेगा तब जब आपका डेथ हो। लेकिन SBY में क्या कहता है कि डेथ तो आपका होना चाहिए, लेकिन डेथ कैसा होना चाहिए? ओनली एंड ओनली एक्सीडेंटल। अगर आपका हार्ट अटैक हो गया या मैंने क्वेश्चन पूछा, दिल में दौरा पड़ गया, पैसा नहीं मिलना पड़ा है। क्लियर? यहां पे आपका किसी भी एनी डेथ, किसी भी कारण से डेथ हुआ है, एनी डेथ, बट वो एनी डेथ जो है वो 50 साल तक ही होना चाहिए। 50 साल एक दिन हो गया और हार्ट अटैक या फिर कोरोना से डेथ हो गया तो मिलने वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई हम आपके एक्सीडेंटल डेथ के बाद 2 लाख रुपया तो देंगे, लेकिन उसके एवज में आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। प्रीमियम मीन्स व्हाट? प्रीमियम मीन्स हर साल में आपको जो पैसा भरना है, दैट इज 1 बड़ा पाव। एक बड़ा पाव कितना मिलता है मुंबई में? 12 रुपए। अरे 10 रुपए मिलता है? 10 रुपए से कम तो मुझे नहीं लगता कहीं मिलता है। मिनिमम 10 रुपए मिलता है ना? हाँ सर, है ना? वड़ा मिलता। क्या हो गया? सिर्फ वड़ा मिलता, पाव नहीं मिलता। अब वाह, सिर्फ बड़ा मिलता है? हाँ सर, बढ़ गया रेट। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आऊंगा तो खिलाना भाई। किधर से? किधर मैं आऊंगा? मीरा रोड, दादर, डोंबिवली, बड़ी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। पहले एग्जाम पास हो लो, एग्जाम पास होने के बाद मैं आऊंगा तो फिर बड़ा पाव खाऊंगा नहीं, काजू का बर्फी खाऊंगा। चलो इधर देखो, 12 रुपए अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं तो आपके एक्सीडेंटल कवरेज रहेंगे। 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। 70 साल से कम आपका डेथ होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है, दैट इज 330 एनुअल। ये भी एनुअल है, 12 रुपए सिर्फ देना है, ये भी एनुअल है। किसी भी कारण से डेथ होना चाहिए एक्सेप्ट सुसाइड, है ना? सुसाइड के अलावा कोई भी डेथ हो आपको पैसा मिलेगा। ये स्कीम है आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, PMSBY एंड PMJJY। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन है, मैक्सिमम एज के बारे में क्वेश्चन या फिर एनुअल कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। फटाफट 2 मिनट में आप इस दोनों स्कीम को लिखें, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। फटाफट लिखें। बोलिए, समझ में आ रहा है? तो सर, बोलो बोलो मैडम। सर ये डेथ का क्या क्राइटेरिया है PMJJY में? समझा नहीं। डेथ, कोई भी डेथ, एनी डेथ मैडम। बट आपने बोला कि कोरोना की वजह से अगर, अच्छा, 50 साल के नीचे किसी भी कारण से डेथ हो रहा है। अच्छा, 50 साल से नीचे किसी भी कारण से डेथ हो रहा है, एक्सेप्ट सुसाइड, पैसा मिलेगा।
ओके सर, दोनों में भी ऐसा ही है ना, एक में 70 एज है, 70 के पहले मिलेगा अपन को, अगर उसके 70 के पहले डेथ होती है तो, राइट? हाँ, लेकिन एक ही ऐसा कैसा है मैडम, एक में ऐसा है कि आप चलते चलते आपको किसी ने ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया तो ही मिलेगा, ओके ठीक है। दूसरे में कैसा है कि भाई हार्ट अटैक हो गया, कोई बीमारी हो गई, उससे डेथ हो गया आपका, है ना, तो पैसा मिलेगा। क्योंकि जनरल जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके इंडिया में है, जिसको हम एवरेज एज कहते हैं, कितना है इंडिया में मालूम है? 68 ईयर्स। सिक्सटी नहीं नहीं 60 ईयर्स नहीं है भाई, 68, पहले 72 ईयर्स था। 2020 का जो सर्वे है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जहां तक एक नॉर्मल आयु जिंदा रहता है एवरेज, वो 68 ईयर्स है। लेकिन यहाँ पे अगर 65वें साल में नॉर्मल डेथ हो गया तो पैसा मिलेगा क्या? अरे नो हाँ ना, नहीं नो मिलेगा, नो नो नहीं मिस नहीं मिलेगा, मिलेगा सीधी सी सर। बात है, नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर हो गया, अगर 65 साल में, तो पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 65 साल क्राइटेरिया ही नहीं है, 50 साल के अंदर जाना चाहिए। ओके यस सर, हाँ सर। ओके, चलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं तीनों स्कीम में, वन रेशन वन राशन, पीएमएसबीवाई एंड पीएमजेजेवाई। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन तो पूछिए मेरे से। नो सर। नहीं, अभी मैं आपको बताता सर हूँ। ऊपर एनम है ना, 12 और 330, हाँ, दिस इज प्रीमियम, प्रीमियम एनुअल प्रीमियम, बट एक साल में 12 रुपए देना है हाँ आपको। वेरी करता है प्रीमियम अकॉर्डिंग टू एज। नहीं, नो वेरी, कोई वेरी नहीं करेगा। 18 साल में भी उतना ही और 70 साल में भी उतना ही आपको देना है, ओके सर, ठीक है। ओके, देखिए, अभी हमने सबसे पहले आपके साथ फिनेंशियल कोड की बात की थी, फंड ट्रांसफर टूल्स की बात की थी, गवर्नमेंट स्कीम की बात की, और आज एनपीसीआई की बात की। इसमें से दो जो नोट्स हैं, है ना, पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं एड्रेस लिखा देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। आप चले जाइएगा वेबसाइट पे, उस वेबसाइट का नाम आप लिख लीजिए, www.learnbeyond.co.in। ओके, learnbeyond.co.in पे जाइएगा, इसके नोटिफिकेशन के पेज में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों तक ये नोटिफिकेशन के पेज में रहेगा नहीं, मैक्सिमम 10 to 12 डेज रहेगा। तो वहां से जाके आप एनपीसीआई की पूरी बात और फिनेंशियल कोड की पूरी बात डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन के पेज में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन के पेज में ही जाना है, दूसरे पेज में मत चले जाना, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं आपको। ओके, चलें आगे। अरे हाँ या ना, अरे बोलते रहो, यस सर हाँ नो सर, सर। हाँ, जागो जागो जागो। चले, अभी आगे जब हम चलेंगे तो हम चलेंगे उस गांव की ओर, जिस गांव में ये कहा जाता है भारत सरकार का एक बड़ा मिशन, उस बड़े मिशन में ये कहा गया कि भाई साहब, अगर गांव में पानी नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। तो उस कारण से एक नए स्कीम की शुरुआत हमने कर दी, और ये कहा गया कि 2022 तक हर एक गांव में पानी होगा, और वो पानी नल से आएगा। दैट इज कॉल्ड कौन सा मिशन, कौन सा घर घर मिशन, जल नाम तो सुना। योजना, हाँ, बोलो बोलो, कौन, क्या बोल रही मैडम? घर घर जल योजना, घर ये कौन सा स्कीम है, घर घर जल योजना? ये तो मोदी साहब ने लॉन्च नहीं किया है, जल मिशन, जल मिशन योजना। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको दिया गया है ना, जल जल जीवन यो, जल जीवन, जल जीवन करके है, जल जीवन, जल जीवन मिशन का नाम दिया गया है। मतलब जहां पे पानी नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, है महाराष्ट्र में भी ऐसे गांव हैं कि जहां पे पानी नहीं है, या है तो बहुत टाइमली आता है। तो वहां पे गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हर एक गांव में, हर एक घर में एटलीस्ट नल की सुविधा होनी चाहिए, और वहां पे पानी मिलनी चाहिए। तो फोर्थ स्कीम का नाम आज के इसमें लिखें, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, और चूंकि योजना है तो आप लिख सकते हैं जल जीवन मिशन योजना, लिख लें, टू प्रोवाइड ड्रिंकेबल वाटर। ऐसा नहीं कोई भी पानी दे दो, टू प्रोवाइड ड्रिंकेबल वाटर, टू प्रोवाइड ड्रिंकेबल वाटर इन ऑल रूरल एंड सब अर्बन एरियाज, टू प्रोवाइड
drinkable water in all rural and suburban areas. All rural. To provide drinkable water in all rural and suburban. है ना, रूलर है, फिर सब अर्बन है, फिर अर्बन है ना, ऐसा कैटेगरी है ना आपका? यस सर. हाँ, नेक्स्ट लिखे हैं पीएम मातृ वंदना योजना. मातृ वंदना, पीएम मातृ वंदना योजना. देखिए नाम में लिख रहा हुआ है कि मातृ से है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो माता से होगा, तो ये माता से ही रिलेटेड है. और ये कहा गया है कि जैसे क्या था जो आपके इंडिया में बर्थ के समय जो डिलीवर जो लेडी होती है डिलीवरी के बाद उनका डेथ हो जाता है किसी भी कारण से हो, है ना, तो उस कंडीशन में उनको कुछ फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए ताकि ऐसा ना हो. इस कारण से स्कीम की शुरुआत भारत सरकार ने की है जिसमें यह कहा गया है कि फर्स्ट डिलीवरी के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 5000. कितना पैसा दिया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, कब दिया जाएगा, ओनली इन फर्स्ट डिलीवरी, है ना, तो फर्स्ट डिलीवरी के समय ही प्रेग्नेंट वुमेन को 5000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा. यू प्लीज पेन डाउन अबाउट दिस स्कीम पीएम मातृ वंदना योजना. कंसेप्ट को पढ़िए, मातृ है, माता से जुड़ा हुआ होगा तो फिर चॉइस में आपको आसानी होगा खोजने में कि किसको हम टिक मार करें, क्योंकि जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे ही आपके एग्जामिनेशन में आने वाला नहीं है. इस भ्रम में मत रहिएगा कि जो डॉट टू डॉट मैंने लिखा है वही डॉट टू डॉट मेरे पास आएगा, लेकिन कंसेप्ट आपको अगर मालूम है तो उसको आप खोज सकते हैं कि यही उसका सही आंसर है. लिखे हैं पीएम मातृ वंदना योजना टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम, टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम 5000 रुपीज, टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम रुपीज 5000 असिस्टेंस, टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 5000. हाँ, अंडरलाइन कीजिए कितना रुपया है, 6000 है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको देखा था किसान योजना में बताया था 6000 मिलेगा, 2000 तीन इंस्टॉलमेंट मिलेगा, याद है कुछ पुरानी बातें? यस सर. हाँ, तो वहां पर 6000 लिखा था. अभी थोड़ी देर के बाद मैं कौशल पीएम के बी वाई पर चलूंगा तो 8000 लिखाऊंगा. तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. कितना मिलेगा तो 5000 मिलेगा, कम मिलेगा भाई, तो सिर्फ पहले चाइल्ड को जब बर्थ होगा तो ही मिलेगा. लिखे हैं टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 5000. To provide a financial assistance of rupees 5000 to a pregnant lady while giving the birth of first child only. Giving the birth of first child only. देखिए आपके एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन पीएम केबीवाई, इन पीएम एसबीवाई, इन पीएम जेडीवाई, इन पीएम जेजेवाई, इन पीएम एपीवाई, ए स्टैंड फॉर व्हाट, बी स्टैंड फॉर व्हाट, है ना. उस समय आपके पास योजना का नाम नहीं आएगा और ये नाम आपको आके रुक जाएगा कि है क्या भाई ये, है ना. तो प्रधानमंत्री तो ठीक है लेकिन के क्या है, वी क्या है, वाई भी आपको ठीक लगेगा लेकिन बीच के पार्ट आपको बहुत तंग करेंगे और चॉइस भी हमेशा के और वी के रूप में ही आपको दिखाई देगा. इसका ऐसे स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. लिखें कौशल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही है, के ए यू एस एच ए एल, कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. भाई साहब ये क्या है तो आप जाने कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ये कहा गया है कि हम आपको इस कौशल विकास योजना के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे. ट्रेनिंग लाइक
कि मोबाइल बनाना हम सिखा रहे हैं, हम आपको कोई और भी चीजें बनाना आपको सिखा रहे हैं, या फिर आपको गोट फार्मिंग का हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर डेयरी का हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर पोल्ट्री फार्म का हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फिर आप अपना खुद सा एक छोटा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको तो इम्प्लॉयमेंट मिले ही, आपके साथ साथ आप किसी और को भी इम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो दिस इज द मोटो ऑफ प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि भाई आपके हाथों में कौशल होनी चाहिए। कौशल का मतलब क्या है? तो ट्रिक एंड टेक्निक होनी चाहिए, जैसे आपके हाथों में भी कौशल होनी चाहिए। फॉर योर एग्जामिनेशन मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीए है ना, तो वैसा ही जिसके पास क्या नहीं है, तो इम्प्लॉयमेंट नहीं है, उतना पढ़ा हुआ नहीं है, गांव से बिलोंग करता है, लेकिन उन्होंने जान लिया कि भाई मोबाइल कैसे बनाना है या पोल्ट्री फार्म कैसे खोलना है, तो एटलीस्ट कुछ तो अपना व्यवसाय कर सकता है, अपना अपने के साथ साथ अपने परिवार वालों का पेट भर सकता है। तो प्रधानमंत्री साहब ने इस योजना की शुरुआत की और ये बोला कि हम इस काम के लिए एक इंडिविजुअल को फिनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, और वो कितना होना चाहिए, कितना लिखा आपके बोर्ड पे? अरे आपके बोर्ड हम आपको देंगे कितना, 8,000 रुपए। कब देंगे? तो सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड का आपको हम देंगे। आप हमारे पास आइए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, प्लस ये पैसा भी हम आपको देंगे। ये पैसा क्यों देंगे? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपकी योजना एक चल रही थी सेंसस, जानते क्या सेंसस? यू नो सेंसस? यस सर। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। भारत में हर एक साल होता है क्या? 10 साल में एक बार। नहीं सर, दस सालों में एक ही बार सेंसस होता है। जो लास्ट सेंसस हमारे पास हुआ 2011 का सेंसस था, जिसके आधार पे हमने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार को आपके पॉपुलेशन में 1, 2 और 3 कहा है। उस सेंसस में कहा गया था कि आज की जो हमारी लिटरेसी रेट है वो 74% है। वो पहले कितनी थी? 63% थी। तो 63 से 74 तक जो छलांग लगाया उसमें सिर्फ एक ही योजना का कंट्रीब्यूशन था, और उस योजना का नाम था मिड डे मील। नाम सुना है? नहीं सर। मिड डे मील, खाना आप आइए, बच्चे को लाइए, हम उसको एक टाइम का खाना फ्री में देंगे, चाहे वो खिचड़ी हो चाहे वो धोबी हो। नाम सुना है? नहीं सुना है? सुना है। हाँ, गांव में ये स्कीम ज्यादा गांव में ये स्कीम ज्यादा पॉपुलर है, ताकि वो जो गरीब बच्चे रहते हैं है ना, उनको किसी और काम में, उसको किसी घर में काम करने के लिए ना भेजा जाए, एटलीस्ट खाना खिलाने के लोभ से तो जो गरीब गार्डियन है वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और बच्चों को अगर स्कूल भेजेंगे और वहां पर मास्टर अगर मेरे से पकड़ा गया तो कुछ तो सिखाएगा उसको। यही होता है लिटरेसी रेट का, कि अगर इफ यू नो हाउ टू साइन ऑन अ ब्लैंक पेपर यू आर ए लिटरेट पर्सन। लिटरेसी का डिफरेंशन आपके हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप 10th, 12th या ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपको साइन और अपना नाम दिखना मालूम है तो आप एक लिटरेट पर्सन है। वही काम यहाँ भी किया गया है कि 8,000 रुपया हम देंगे, लेकिन देने के लिए आपको हमारे पास ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और साहब अगर ट्रेनिंग ले लिया है तो कुछ तो काम आप करेंगे। ठीक है, 100 लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया, 100 लोग में से 80 लोग नहीं कुछ करेंगे, लेकिन 20 लोग तो कुछ तो एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करेंगे। दिस इज द मोटो टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया बाय स्टार्टिंग PMKVY कौशल विकास योजना। प्लीज पेन डाउन द कंसेप्ट ऑफ कौशल विकास योजना। लिखे, गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस स्कीम टू रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट रेट, टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बाय प्रोवाइडिंग देम technical education which helps to start a new entrepreneurship with a financial assistance of ₹1 lakh। कितना रुपया लिखा? 1 लाख लिखा सर? 8,000। अच्छा, सबने 8,000 ही लिखा, किसी ने 1 लाख भी लिखा? नहीं सर, 8,000 लिखा। ठीक है, मुझे लगा कि बाहर आए सर जो बोल रहे हैं लिख डालो, तब तो फिर सब कल
क्लास बंद करके यानी वो कौशल विकास योजना में चला जाएगा, चलो भाई लॉकडाउन में 1,00,000 रुपया ही आ जाए बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 8,000। चले जी। यस सर। 2016 की ये घटना, जिस घटना ने आपको संभवतः किसी बैंक के लाइन में खड़ा किया होगा, वो दिन याद है क्या? 8 नवंबर डीमोनेटाइजेशन। अच्छा, मेरे से एक चीज बताइए कि ये डीमोनेटाइजेशन खत्म कब हुआ था? अगर सही आंसर देंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा मेरा। लास्ट डेट ऑफ डीमोनेटाइजेशन 31st December। अगर इतना आसान भाई साहब क्वेश्चन रहता तो मैं इस खुले मंच पे आपको आह्वान करता कि आके आंसर दीजिए। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ तो पेच है इसमें, सीधी सी बात है। अगर भाई इतना जनरल क्वेश्चन में पूछता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि आपका आंसर 31st December ही होता, लेकिन क्या वो एक सही आंसर है? आंसर इज नो। फिर कब है कोई और? 30 दिसंबर। अरे गूगल कर लिया क्या? यस सर। नहीं सर। नहीं सर। अरे किसी ने बोला गूगल कर लिया? नहीं नहीं, कर लिया सर गूगल। 30 दिसंबर। यस सर, मैंने किया। करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर। देखिए यही सब एग्जामिनेशन है, सबको मालूम है 31 दिसंबर खत्म हो गया भाई, लेकिन एग्जामिनेशन ने पूछा गया SBIPO में, पता चला कि जिसने जिसने 31 मारा था सब 1.25 मार्क्स हाथ धो बैठे। अब क्यों भाई? सर पर उधर ईयर नहीं लिखा है। हाँ ईयर ईयर तो डाल दीजिए, मतलब 2025 क्या जाता है। अब शुरुआत हुआ 2016 में तो खत्म भी तो 2016 में ही होगा ना। यार छोड़ो, वो आप एक्चुअली RBI के साइट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल साइट पे जाके देखिएगा ईयर क्या है। अभी बताता हूँ, हमेशा याद रखिए 8 तारीख से शुरुआत हुआ था और 30 तारीख को लास्ट डेट था। 30th of December 2016 वाज द लास्ट डेट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, क्योंकि 31 तारीख को प्रधानमंत्री साहब को आके बड़े मंच से भाषण देना था कि हमने कितने ब्लैक मनी जो है इकट्ठा किए हैं। इसका 31st वाज नॉट द करेक्ट आंसर। दूसरी बात, वहां पे 30th को डीमोनेटाइजेशन खत्म होने के बाद एक बड़ा ऐलान किया गया। वो ऐलान ये था कि अभी भी आपके पास अगर कुछ काला धन है, क्योंकि बहुत बार तो ये हुआ जिसके पास भाई साहब बहुत सारे काले धन थे वो ऐसे ही उसने फेंक दिया। गवर्नमेंट ने उनको एक प्रोविजन दिया कि भाई साहब आप मेरे पास आइए, अपने काले धन को लेके आइए, और उस काले धन में अगर 100 रुपए आपके पास काला धन है तो आप एक फॉर्म पे साइन कीजिए। उस फॉर्म पे साइन करने में आप ये डिक्लेयर कीजिए कि 100 रुपया मेरा काला धन है, जिसकी प्राइवेसी हम रखेंगे, गवर्नमेंट ये प्राइवेसी रखेगी कि ये जो है वो आपकी काला कमाई है, इसको हम किसी को शेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो पैसा मेरे पास लेके आइए। उस पैसे में 50 रुपया हम जिस स्कीम में डालेंगे, उस स्कीम का नाम आप जाने, उस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नाम सुना है ना? यस सर। हाँ, डीमोनेटाइजेशन में यह आह्वान किया गया कि आप अपने काले धन को लेके आइए, अगर 100 रुपया आपके पास है तो उस 100 रुपया में से 50 रुपया हम डालेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, 25 रुपया हम गरीब कल्याण योजना में ही रखेंगे, 4 साल तक रखेंगे, और 4 साल के बाद आपको वो पैसा हम रिफंड कर देंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट, और 25 रुपया आपका हो जाएगा साहब, मतलब ऑन द स्पॉट उसको 100 में से 25 रुपया मिल जाएगा, 75 रुपए चले जाएंगे गरीब कल्याण योजना में, उस 75 रुपए में से 25 रुपया जो है आफ्टर 4 ईयर्स विदाउट इंटरेस्ट उस पर्सन को वापस कर दिया जाएगा। यही वो गरीब कल्याण योजना है, जिस गरीब कल्याण योजना से आज के दिन में इस पेंडेमिक में बहुत सारे पैसा रिलीज किया गया है, और वो पैसा 18.7 लाख करोड़ है। ये क्वेश्चन फिर से मैं आउट करता हूं आपके मेंस एग्जामिनेशन IBPS कलर के लिए कि गरीब कल्याण योजना से कितना रुपया रिलीज किया गया है इस पेंडेमिक में, है ना, चाहे वो गैस सिलेंडर के लिए हो, चाहे वो 3 महीने तक 500-500 रुपए PMJDY अकाउंट होल्डर विमेन को दिया जाने वाला हो, कितना दिया गया? 18.70। ये मैंने आपके कंसेप्ट के लिए बताया है कि ये है क्या। तो ये वो आखिर गरीब कल्याण योजना पैसे कहां से आए? तो गरीब कल्याण योजना में पैसे 2016 में ही आ गए थे। किसने जमा किया था? इन लोगों ने जमा किया था, और उस बड़े पैसे को इस पेंडेमिक में 18.70 लाख करोड़ निकाल दिया गया,
और ये लाख करोड़ चाहे वो उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर प्रोवाइड किया हो, चाहे वो पीएमजेडीवाई स्कीम के अंदर हमने लेडी पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर को 503 मंथ हमने दिया हो, है ना, या फिर बहुत सारे ऐसे पेंडेमिक में उनको रिलीफ दिया गया है, तो ये पैसा आपसे निकाला गया है, दैट इज पीएम गरीब कल्याण योजना। प्लीज पेन डाउन नेक्स्ट स्कीम पीएमजीकेवाई लिखें। दिस स्कीम स्टार्टेड इन 2016, दिस स्कीम स्टार्टेड इन 2016 आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, दिस स्कीम स्टार्टेड इन 2016 आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। After demonetization, from where 18.70 lakh crore, underline कीजिए 1 lakh baar, from where 18.70 lakh crore, from where 18.70 lakh crore was given. In different scheme, was given different scheme in COVID-19 pandemic, was given in different scheme in COVID-19 pandemic. सुने, यहां पे फिर से मैं एक बात लिखता हूं। मैंने कितना बताया था पीएमजेडीवाई अकाउंट कितने इंडिया में, लास्ट क्लास मैंने बातें की हैं आपके साथ, कितना बताया? 40 लाख 70 टोटल नंबर ऑफ पीएमजेडीवाई अकाउंट कितने हैं इंडिया में? 40.70 lakh ये आपके पास 40.70 करोड़ अकाउंट पीएमजेडीवाई के सिर्फ मात्र हैं। इस 40.70 में 20.40, ये दोनों आंकड़े में से एक आंकड़ा आपके पास पूछा जाएगा कि कितने विमेन बेनिफिशियरी को सितंबर क्या माइक ऑन है क्या? अरे माइक किसका ऑन है भाई? आवाज आ रही है क्या सर? आपकी आवाज ना आगे पीछे हो रही है। ऐसा कैसे हो गया? आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रहा है लेकिन लिप सिंक मैच नहीं कर रहा है। लिप सिंक नहीं हो रहा है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा आवाज आ रही है ना? यस सर। सर वो 20.40 का एक बार बता दो ना। अरे रुको यार, थोड़ा इतना खड़े होके, इतना 5 नंबर पे फैन है फिर भी देखो पसीने आ रहे हैं और तुम्हें 20.40 की पड़ी। रुको सब बताऊंगा। सॉरी सर। यार निकल, अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है सर आवाज। वो जूम वाला ऐप भी जो है ना, वो सुनते सुनते परेशान हो गया होगा कि 3 घंटे से यही बंदा बोले जा रहा है, स्टूडेंट को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। इसका उसने बोला था, रुक जाओ, ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं फिर आगे हम चलते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कि उस गरीब कल्याण योजना से 18.7 लाख करोड़, लाख करोड़ की बात है यहाँ पे, करोड़ की बात नहीं है, करोड़ रुपया से कुछ नहीं होने वाला है। 18,070 लाख करोड़ हमने इस कोविड 19 पेंडेमिक में अलग अलग स्कीम में दिया है। इस 18.17 लाख करोड़ में 20.40, मतलब 20 करोड़ 40 लाख पीएमजेडीवाई विमेन होल्डर को हमने 500 रुपीज कंसेक्यूटिव 3 मंथ प्रोवाइड किए हैं। इस दोनों में अंतर महसूस हुआ? ये नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर है, विमेन अकाउंट होल्डर, क्योंकि पीएमजेडीवाई देखिए
जिनका भी अकाउंट इस 40.70 20 करोड़ 70 लाख लोगों का अकाउंट है पीएमजेडीवाई स्कीम के अंदर, चाहे वो स्मॉल अकाउंट हो या बीएसबीडी अकाउंट हो, उसमें से गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम जो पैसा देंगे 500-500 रुपए वो सिर्फ महिलाओं को देंगे, जिसका फीमेल के नाम से अकाउंट होगा उसी को हम पैसा देंगे। तो 20,40,000 फीमेल के अकाउंट में 3 महीने लगातार 500 रुपए क्रेडिट हुआ है। ये कहां से हुआ भाई साहब? तो ये हुआ पीएम गरीब कल्याण योजना से, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। पहली बात मैं आपको लिखा रहा था, पीएम जीकेवाई स्कीम स्टार्टेड इन द ईयर 2016 जस्ट आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, एक और पॉइंट लिखा था 18.70 लाख करोड़। क्या लिखा था यहाँ पर कोई पढ़ो? From where 18.70 lakh crore was given in different schemes in COVID-19 pandemic. Yes. Next point लिखिए, out of which 20.40 women PMJDY, out of which 20.40 women PMJDY account holder, out of which 20.40 women PMJDY account holder received 500 for 3 months. This is most important figure for your examination, and another, this is also most important figure for your examination. Government ka isme koi contribution nahi hai, ye जो हमने जमा किया उसी पैसा को अभी यूज किया जा रहा है। 500 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स। हाँ, 500 पर मंथ फॉर 3 इयर्स, 500 पर मंथ फॉर 3 मंथ। ओके, देखिए अभी एक स्कीम लिख रहा हूँ। बैकग्राउंड से आवाज, अरे कौन बच्चे को खिला रहा है भाई? पतंग पकड़ रहा है वो, लग रहा है वो बोल रहा है कि कहीं पतंग उड़ रहा है। बोर्ड पे दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। मैंने पोस्टर लिखा है, सिर्फ पोस्टर का मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि दिस स्कीम इज रिलेटेड टू। नेक्स्ट लिखा है, आपको सही मार्क ढूंढना है, इसमें से कौन सा सही आंसर है? उजाला स्कीम रिलेटेड टू एलपीजी, दूसरा सोलर लैंप, तीसरा इन्वर्टर स्कीम, चौथा नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? एलपीजी। क्या सिलेंडर? आंसर नन ऑफ दीज। फोर्थ। तो फिर सही करो, अगर नन ऑफ दीज अगर गलत है तो फिर सही करो। सर एलपीजी। नो, रॉन्ग। ये क्वेश्चन IBPSPO 2018 का है। उजाला स्कीम इज रिलेटेड टू एलईडी सर, एलईडी। अरे वाह, ये गूगल लगता है बहुत तेज चल रहा है उधर मीरा रोड दादर में। देखिए गलती कहाँ होती है, बहुत बार आप लोग जाते हैं पेट्रोल पंप पे, वहां पे मोदी साहब का फोटो रहता है, लिखा रहता है उज्ज्वला स्कीम, और वहीं पे बहुत सारे सिलेंडर के बीच में एक महिला बैठी रहती है, और जैसे ही हमारा आंख उजाला पड़ता है डायरेक्ट गैस सिलेंडर पे हम लगा देते हैं आंसर, और फिर से वहां पे गलती कर बैठते हैं। इसका आंसर मैं बोलता हूं, एग्जामिनेशन देना और सही आंसर मार्क करना एक आर्ट है, जिस आर्ट को डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। साहब आसानी से क्वेश्चन को पढ़िए, ये उज्ज्वला नहीं है। यस सर। ये उजाला है, और उजाला तभी फैलेगा जिस कंडीशन में आप अपने
लैंप को बंद करके आप एलईडी बल्ब का यूज करेंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? Yes, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लिखे दूसरी स्कीम उजाला UJALA उजाला उन्नत जीवन। फुल फॉर्म लिखे उजाला का उन्नत जीवन उन्नत UNNAT उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल अफोर्डेबल एलईडी उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल एलईडी एंड अप्लायंसेस उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल एलईडी एंड अप्लायंसेस। मतलब गांव में आप अगर जाएंगे तो लांटेन दिखा है क्या? लांटेन लैंप। अरे गांव में होता yes, था कि नहीं? जी सर। हाँ तो ये कहा गया कि भाई ये जो लांटेन लैंप जलता है जिसमें केरोसिन वायर या वगैरह वगैरह अलग चीज यूज होता है उसको आप बंद कीजिए, हम आपको एलईडी प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके लिए इस योजना के शुभारंभ किया गया, दैट इज उजाला। और इस उजाला के पूरे नाम में ही उस स्कीम का पूरा डायग्राम छिपा हुआ है कि ये स्कीम है क्या, टू प्रोवाइड एलईडी बल्ब, है ना? रुक गया क्या स्क्रीन? स्क्रीन रुक गया क्या? नहीं सर। ओके, टू प्रोवाइड एलईडी बल्ब टू ऑल ऑल विलेज हाउस होल्डर। गांव में, गांव के लिए बेसिकली स्कीम है ये, है ना, कि गांव गांव तक ये हमें फैलाना है, गांव गांव तक एलईडी हमें देनी है। उसके लिए उजाला एक स्कीम है। अभी उस स्कीम पे आते हैं जिस स्कीम में ये लक्ष्य रखा गया था जब उसकी शुरुआत की गई थी कि हम 50 करोड़ फीमेल को फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाएंगे। उस स्कीम का नाम आप भी जानते हैं, मैंने भी अपने मुंह से थोड़ी देर पहले निकाला है। लिखे उज्ज्वला। उज्ज्वला उज्ज्वला UJJWALA उज्ज्वला स्कीम। लिखे टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर, टू प्रोवाइड फ्री, टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर to all female in rural areas, to all female in rural areas, सिर्फ female के नाम से ही मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये तो बहुत अच्छा किया कि बहुत चीजों में female को उन्होंने support किया है, ये अच्छी बात है। एक scheme का नाम निकाला उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नाम सुना था कि नहीं? Yes, sir. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डायरेक्ट पीओ बनाओ, ये किसी ने नहीं सुना? डायरेक्ट पीओ बनाओ। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो सर? पीओ नहीं सुना, बड़े बड़े लेवल तक का सुना है। आईएएस बनाओ, आईएएस बनाओ। अच्छा हाँ हाँ, बनाने के लिए ठीक है लेकिन काम कौन करेगा उसके लिए? तो कल पढ़ाता हूँ आज साफ हो जाता है। एक मिनट, मैं आपके बोर्ड पे आ रहा हूँ, मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया है, एक मिनट। तब तक मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हाँ क्या था उस स्कीम का नाम? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस स्कीम का नाम दिया था, जो इस स्कीम के बारे में आगे चल के बात करेंगे। नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। नाम सुना है? नहीं सर। हाँ सुकन्या समृद्धि नहीं सुना है? क्या था मैडम? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुना था कुछ सर, 1000 रुपीस भरना रहता है और 18 इयर्स के बाद लड़की को मिलेगा, ऐसा कुछ रहता है। कितना मिलेगा?
ठीक है, जो आपने सुना है वो ठीक है, कितना मिलेगा? तो इतना नहीं पता। ओके, मतलब एग्जामिनेशन के लायक कुछ नहीं सुना है, ये सब व्हाट्सएप वाला जो घूम रहा था ना वो सुन लिया तुमने? 8623496371। बहुत सारे स्कीम है, बट अभी जिस स्कीम पे हम हैं उसमें कम से कम 20 स्कीम और भी है जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब आज कितने स्कीम हो गए हैं? अरे आज कितना हुआ? 9 सर। 9 हुए है ना? उज्वला में क्या लिखा? टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर टू ऑल फीमेल बेनिफिशियरी, है ना? और आप जान लें जो डेटा आपके उज्वला के पोर्टल पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें ये कहा गया है कि 8 करोड़ फीमेल बेनिफिशियरी को ये जो फ्री एलपीजी है वो हमने दिया है, और जिनको भी फ्री एलपीजी हमने दिया है इस पेंडेमिक में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने गैस सिलेंडर भी दिया है। तो पेंडेमिक में हमने क्या किया है उसको आप छोड़ दीजिए, बट अभी तक उज्ज्वला स्कीम के अंदर कितने फीमेल बेनिफिशियरी को इसका एडवांटेज मिला है और कितने को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर मिला है, उस आंकड़े को आपको जरूर लिखना है। दैट इज 8 करोड़ लिखें, लिखें नेक्स्ट पॉइंट। सो फार 8 करोड़ फीमेल बेनिफिशियरीज आर रजिस्टर्ड, सो फार 8 करोड़ फीमेल बेनिफिशियरीज आर रजिस्टर्ड, 8 करोड़ फीमेल बेनिफिशियरीज आर रजिस्टर्ड एंड बेनिफिटेड अंडर दिस स्कीम। सो फार 8 करोड़ फीमेल बेनिफिशियरीज आर रजिस्टर्ड एंड बेनिफिटेड अंडर दिस स्कीम। देखिए आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ये है आपके आज के क्लास की और गवर्नमेंट ऑफ स्कीम की दूसरी बड़ी बात, दूसरा पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से गवर्नमेंट स्कीम के 5-6 स्कीम को लेंगे और किसी नए बैंकिंग, जैसे आज हमने एनपीसीआई भी कवर किया, क्योंकि एक ही दिन में अगर पूरे गवर्नमेंट स्कीम के चलेंगे तो फिर वो बोरियत सा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ देर हम बैंकिंग अवेयरनेस के किसी एक पार्ट को खत्म करें और कुछ देर में आपके इस गवर्नमेंट स्कीम के 8 स्कीम को हम फिर से खत्म करें। गवर्नमेंट स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां से 2 से 3 मार्क्स क्वेश्चंस कहीं जाने वाले नहीं है। इस कारण से मैं इतना स्ट्रेस देता हूं, मैं 2 ही चीज पे बहुत स्ट्रेस देता हूं, 3 चीज बसरते। पहला है एब्रिविएशंस, छोटा नाम और उसका बड़ा काम। दूसरा है गवर्नमेंट स्कीम, 2 से 3 मार्क्स यहां भी एब्रिविएशन से, 3 से 4 मार्क्स वहां भी। और स्पोर्ट्स, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जिसको आप अगर मिला दें तो 10 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद तो ठीक है, जैसे एनपीसीआई है तो 1 मार्क्स, फाइनेंशियल कोड है तो 1 मार्क्स, फंड ट्रांसफर टूल्स है तो 1 मार्क्स, आरबीआई है तो 1 मार्क्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो 1 मार्क्स, लोन्स या डिपॉजिट है तो 1 मार्क्स, या फिर आपके सेविंग करेंट एफडीआरडी माइनर अकाउंट है तो 1 मार्क्स। तो हर एक चैप्टर का 1-1 मार्क्स है, बट ये जो 3 बड़े नाम मैंने आपको बताए हैं इसका 2 से 3 मार्क्स का वेटेज है। तो वेटेज जिसका ज्यादा उस पर हमारी नजर ज्यादा रहेगी। अभी मेरे से पूछ लीजिए आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या पूछना है उससे पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को खत्म करने की घोषणा करेंगे। बोलिए सर, उज्ज्वला का कोई फुल फॉर्म नहीं है ना? हाँ नहीं, क्या करना है यार, क्यों हेडेक ले रहे हो? सर नहीं है, ऐसे पूछ लिया, जैसे उज्ज्वला का था वैसे उज्ज्वला का भी कुछ हुआ। ओके नेक्स्ट, और किसी के पास कुछ पूछने, समझने, पहचानने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नहीं सर, ठीक है। NUUP एक बार बताओ ना। NUUP क्या है? कि आपकी बैंकिंग में आपके मोबाइल को जोड़ना है ना, बैंकिंग में मोबाइल को ट्राई, आपका टेलीकम्युनिकेशन का फादर है। आवाज आ रही है आपको? हाँ यस सर, है ना? तो बैंक, तो आपकी जो बैंकिंग है उसका फादर कौन? RBI। तो RBI का ट्राई के साथ जो समझौता हुआ जिसमें मोबाइल को अगर कनेक्ट आपने कर दिया है तो फिर आप उस बैंक का ऐप ना भी यूज करें, आप गूगल पे भी यूज करें, आप फोन पे भी यूज करें, आप अमेजन पे भी यूज करें, होता है कि नहीं? यस सर, यस, दिस इज कॉल्ड मोबाइल लिंकिंग। अरे किसी का यार म्यूट करो उसको, है ना? तो ये NUUP है ना?
क्या बताया एनयूपी का फुल फॉर्म मैंने, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म एनयूयूपी। बाद में यूएसएसडी को हमने तोड़ा है, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, है ना। और उसके सामने मैंने एक डिजिट भी लिखा था, वो था *99#। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट साथ लिंक है, क्लिक करके देखिए आपके पास क्या मैसेज आता है। ओके सर, वो नंबर वापस बोलना सर, *99#। ओके ठीक है, चलिए यहीं तक की बात हम आपके साथ रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे ज्यादा की बात हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब आप आए, जब जुड़े, उससे पहले एक बार थोड़ा सा नोटबुक अपना देख लें कि हमने क्या पढ़ाया है, और जहां पर मैंने एड्रेस दिया है वहां से आप नोट्स को अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।